नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तथा महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि निगेटिव बोलने वाले और थिंकिंग वाले, विचार करने वाले लोगों से कैसे डील करें। हमारे आसपास में काफ़ी लोग निगेटिव रहते हैं, निगेटिव बातें करते रहते हैं। कुछ लोग अपने बहुत करीब नहीं रहते, मगर वो निगेटिव कॉमेंट्स पास करते रहते हैं। तुम तो क्या कंजूस हो, तुम तो क्या ख्याल देते नहीं है, तुमको कोई कदर नहीं है, या ऐसे कोई पास करता है कमेंट तो अपने को दिल को लग जाता है कि अरे उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने तो ऐसा उसको कुछ बोला नहीं, उसने ऐसे उल्टी कमेंट क्यों किया, निगेटिव कमेंट क्यों किया, मुझे बुरा क्यों बोला। देखो, होता क्या है कि वो व्यक्ति आपको कुछ बोलता है, अच्छा नहीं बोलता। सामने वाला कैसा भी बोले तभी आप अच्छा बोल सकते हैं। नहीं, आपको लगेगा नहीं, सामने वाला यदि बुरा बोलता है, गलत कमेंट पास करता है, तो मैं अच्छा कैसे बात करूं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अच्छा बोल सकते हैं कि नहीं, मगर कैसे करूं वगैरह बात की बात है, कर सकते हैं। फिर लोग पूछते कि नहीं, वो बार 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 अपने को टोच रहा है, बार 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 उल्टी कमेंट कर रहा है, तो फिर कैसे करना, मतलब फिर। मगर आप एक बार तो कर सकते हैं ना उसके साथ में अच्छी बातचीत, उसने कैसा भी किया तभी। तो लोग बोलते हाँ, बात तो अच्छी कर ही सकते हैं। तो ना मेरा एक बार आप अच्छी बात करो उसके साथ में, उसने कैसी भी उल्टी पुल्टी बात किया, आप अच्छी बात करो, वो कैसे भी बात करेंगे, आप अच्छी बात करो। मतलब आप अपने जुबान से, आप अपने बोलने में कोई निगेटिव बात आने देंगे नहीं। देखो, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ कमेंट पास कर रहा है, वो कुछ चिढ़ गया है, हमको पता नहीं कि वो क्या डील कर रहा है। हो सकता है कि उसके मन को शांति नहीं है, हो सकता है कि वो अपसेट है, हो सकता है कि वो सुखी नहीं है, दुखी आत्मा है, और वो हमारे आसपास में तो आया हुआ है। तो वो क्या डील कर रहा है वो हमें पता नहीं है। वो कौन से स्टेज में है, उसकी भावना क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो हमें पता नहीं है। तो हमें उसके प्रति करुणा आनी चाहिए। वो कुछ भी बोले तभी हम अच्छा बोल सकते हैं, हम अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। हम अपने जवान से निगेटिव बोलने का नहीं है। वो आत्मा को दुखी नहीं करना है, वो व्यक्ति को दुखी नहीं करना है, क्योंकि हम उसको दुखी करते हैं हम भी दुखी हो जाते हैं, हम किसी को सुखी करते हैं तो हम भी सुखी हो जाते हैं। तो वो सामने वाला कैसा भी बोले, वातावरण कैसा भी हो आसपास का, हमारा भावनिक कंट्रोल, मतलब इमोशनल कंट्रोल, हमारा बिहेवियर का कंट्रोल वातावरण में देंगे नहीं, लोगों के हाथ में देंगे नहीं, क्योंकि लोग हमें कंट्रोल करेंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते, हमारे मन को कभी शांति नहीं आ सकती है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके साथ में बातचीत ठीक नहीं कर रहा है, उल्टी पुल्टी बात कर रहा है, तो उसके साथ में करुणा, प्यार हमको बताना ही बताना है। कुछ लोग ऐसे रहते कि वो उनको गलत कमेंट करना, टीजिंग करना, लोगों का इंसल्ट करना, उसमें बहुत मजा आता है। आने दो, उनको मजा आता है तो हमने क्यों उसका बलि पड़ने का है, हमने क्यों उसके ऊपर ख्याल देने का है। तो हम ये देखेंगे कि भाई, मैं मेरा मन शांत रखूंगा, मैं मेरा मन खुश रखूंगा, सामने वाला कुछ भी कैसा भी हमसे बात करता है तभी मैं उसको रिएक्ट नहीं करूंगा, वो स्टिम्यूलस देगा मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं हरदम अच्छी बात करूंगा, उल्टा मैं ये देखूंगा कि वो कुछ तो भी डील कर रहा होगा इसलिए ऐसी बात करता है। मैं कोई किसी घर में गया था और भी कोई मेहमान उनके आए थे, और उन्होंने चाय और बिस्किट दिया, तो चाय उन्होंने तो पी लिया वो मेहमान ने। मैं ऐसे ही उनके साथ में था, मैं भी बैठा हुआ था, और भी कोई मेहमान आए थे, मतलब मैं थर्ड पार्टी था एज एन ऑब्जर्वर, क्योंकि वो आने वाले थे मालूम नहीं था। मैं गया था, बैठा था, हमारी बातचीत चालू थी, और कोई आ गया, उनके लिए चाय बनाया। अब चाय वो पी रहे थे, उन्होंने, वो जो होस्ट थे, उन्होंने उनको बोला कि हाँ बिस्किट भी ले लो, तो बिस्किट नहीं बोले हम, ये तो बिस्किट हमारे यहाँ कुत्ते भी नहीं खाते बोले। मतलब उन्होंने इतना ऐसा स्पॉन्टेनियसली इतना इंसल्ट कर दिया कि ऐसे बिस्किट हमारे यहाँ कुत्ते भी नहीं खाते। मतलब उनको बिस्किट देख के ऐसा लगे बहुत ही खराब बिस्किट, एकदम सादे बिस्किट है, ऐसे बिस्किट हमारे यहाँ कुत्ते भी नहीं खा, मेरे को बिस्किट नहीं होना। अब देखो, सामने वाला कितना दुखी हो गया होगा, मगर वो लोगों को भान भी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, और भान होगा तभी वो, उनको अक्ल नहीं है उतनी कि भाई हम किसी के भावनाओं को दुख पहुंचा रहे हैं। वो होस्ट जो है वो आपको चाय बिस्किट दे रहे हैं और आप उसको उल्टी कमेंट पास कर। फिर कुछ लोग ऐसे रहते कि नहीं, तुम तो मेरी केयर ही करते नहीं है, तुम तो मेरे तरफ देखते भी नहीं है, मेरे को प्यार भी नहीं करते हैं, तुम तो मेरे ऊपर ध्यान देते नहीं है, मतलब ऐसी पति पत्नी में भी काफ़ी अनबन होती रहती है। तो वो सामने वाले को भी देखना चाहिए कि वो कुछ तो भी डील कर रहा है और वो मानसिक स्थिति से ठीक नहीं है, कुछ तो भी अपसेट्स है, और वो अपसेट अभी अपने ऊपर निकाल रहा है। तो मैं फिर से बोलूंगा कि भाई करुणा,
प्यार हमको बताना चाहिए, तो ही हम हरदम के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं। 24 घंटे हम पॉजिटिव रह सकते हैं, हमारी खुशी कोई छीनेगा नहीं, हमारी मन की शांति कोई छीनेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।